ये मैंने दो अलग अलग पैंट लिए, कलर दोनों के डिफरेंट लिए। आज मैंने पहली बार जीन्स की स्कर्ट भी, पहले मैं ना फुल व्हाइट ले रही थी मुस्तफा, फिर मुझे ये वाला कलर अच्छा। हमारे नाश्ते की शुरुआत हो रही है, ये पराठे रहे बच्चों के जो कि बैठी है मेरे साथ नाश्ता करने लगी है। तो कब फाइनली भाईजान का कल लास्ट पेपर होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ नाश्ते से शुरू हो रहा है। बाकी ये देखो, ये इतना कुछ जो फैला हुआ है ना, आज ये भी सारा ना हमने आज बैग में पैक करना है। बैग निकालती हूँ, बैग में पैकिंग शुरू करते हैं अपनी। इस वजह से ना ये सामान मैंने दूसरे रूम में इधर उधर कहीं नहीं रखा, कि अलमारियों में कहीं कुछ नए कपड़े चले गए तो फिर एंड टाइम पर ये सब मिलेगा नहीं और हम निकल पड़ेंगे यहाँ। जो भी सारी शॉपिंग कर रही हूँ ना, तैयबायत के रूम में ही मैंने रखी है। और बस यहाँ पर करते हैं अपना नाश्ता। बाकी स्कूल से छुट्टियां हो गई, आयत की भी छुट्टियां हो गई हैं, एक मुस्तफा बचा है। मुस्तफा का आज पेपर है, एक जा रहा है आज भी उसका पेपर और कल भी लास्ट, बस खत्म। इसके बाद फिर सुकून। जैसे उठिए तो मैंने इसके बाल यहाँ पर बना दिए हैं, उठते ही अपनी कलरिंग लेकर बैठी है, सारे कलर लाइन से साथ में रखे हुए हैं। खत्म करोगी? चॉकलेट खाई है अभी इसने, चॉकलेट वाला ब्रेड खाया ब्रेड भी दिया तो वहां से चॉकलेट निकाल के सारी खा ली। देखो ऊपर से मैंने इसको नीचे भेजा, तो नीचे भी अपनी कलरिंग बुक सब कुछ यहाँ पर लेकर आई है। तो इसको ना जितने भी कलरिंग बुक खरीद कर दे दो ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर 8-10 इस तरीके की ना ये खत्म कर देती है। अब ये इसने इस साइड पर ये सारी की हुई है, नहीं बचाई हुई है, कुछ बची हुई है। बाकी इसके अलावा घर पे बना है गोश्त का सालन, जो की मैंने नहीं लिया, मैंने अपना भाई एग बॉय ले लिया। बताओ ना मुझे फर्क पड़ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा ना पड़ रहा फर्क? हाँ, थोड़ी पतली हो रही हूँ। ये तो डेली पूछती हैं आप? डेली तो पूछती है, व्लॉग में पहली बार पूछ रही हूँ। बताओ। हाँ जी, पड़ रहा फर्क। आपके स्लीपर गाड़ी में रख देते हैं, मत पहनो, जो मम्मा आपको उठा के जाए। जो मेरा बच्चा धूप है, बहुत कोई तेज कड़क धूप है, तो अपने आए स्लीपर ही नहीं पहन पा रही थी। अंदर गाड़ी ठंडी हो गई, चलो रहे थे। कलरिंग अपनी साथ में लेकर जाएगी। आए तो अल्लाह हाफिज। ये देखो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। स्लीपर जैसे बाहर धूप में पड़े रहे ना यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे, इस वजह से नहीं पहन रही थी। आज मुस्तफा, हाँ आज के दिन जा रहे, कल फिर ट्यूशन नहीं जाने पड़ेगा, क्योंकि आज एक आखिरी पेपर है जो कल देने के लिए इसने जाना है, और कल के पेपर की तैयारी होगी फिर कल से। तो आज ना यहाँ से बोल के गया कि मम्मा आप मेरा लास्ट पेपर है ना, मैं कल से नहीं जाऊंगा, मैं छुट्टियां करूंगा, नींद पूरी करूंगा अपनी। फाइनल हो गए इनके ना पेपर, खत्म हो गए। और देखो इतनी देर में जल्दी जल्दी ना इस रूम की अनीता ने सफाई भी कर दी है, बेडशीट भी चेंज हो गई है। ऊपर वाला बेड देखते हैं, ये बेड है तो आयत का, लेकिन आजकल मुस्तफा सो रहा है एसी की वजह से, एसी की वजह से इधर ही होता है, और बाकी तैयबा इधर होती है, आयत मेरे साथ नीचे यहाँ मैट्रेस पे होती है। और बाकी इसके अलावा ये एक्सटेंशन हमेशा यहाँ पर लगा रहता है कि मुझे मोबाइल चार्ज करने होते हैं। पर सुकून से बैठकर अपना पीते हैं ये कावा। तो पता है मैंने क्या किया कि थर्मास भर के अपना यहाँ पर रखा हुआ है, कि हर 2 घंटे बाद ना मैं यहाँ से थर्मास से ही ले लेती हूँ। इसके अलावा इसमें हनी मिक्स करना पड़ता है, कल ना हनी खत्म हो गया था, तो ये भी मैंने अपने हस्बैंड से बोल के हनी मंगवा ली है। और इसके अलावा हाफ लीमू साथ में लेकर आई हूँ, कि लीमू ना इसमें थोड़ा कम है। और देखो इतनी देर में जल्दी जल्दी में मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। इन कपड़ों में आपको लग रहा होगा ना थोड़ी बहुत पतली हो गई हूँ, तो चलो अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। दूसरे रूम में ना इतनी कोई गर्मी होती है ना, कावा भी देखो अपना इधर ही छोड़ के गई, इतनी गर्मी हो रही थी। ये रहा हमारा बॉक्स, और इसमें मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, ये बाहर निकाल लेते हैं फिर दिखाती हूँ। कुछ बर्तन लिए, उनमें से मैं सिर्फ अभी फिलहाल आपको ग्लास दिखाने वाली हूँ। ये मुझे कोई इतने प्यारे लग रहे थे, और हाथ में उठाने में भी ये बहुत अच्छे लगते है। एक ये हो गया ना, पड़े ही वहाँ पर, सिर्फ 2 ही थे शायद, हो सकता है पूरा सेट हो, और ना मुझे वहाँ पर दिखे भी नहीं, बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसके अलावा ना इसके साथ का जो मैंने डिश लिया ना, वो भी मैंने रखा हुआ है, गोल्डन कुछ और भी मैंने बर्तन लिए, और वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियोस में दिखाऊंगी 1-2 दिन में। तो वो पूरा एक प्रॉपर मैंने एक दिन का रखा हुआ है, कि उस दिन पर हमने इस तरीके का शूट करना है, तो वहां पर मुझे ये गोल्डन बर्तन काम आएंगे। ये वाले कपड़े मैंने सारे कर लिए अलग, ये सारे चेंज कराने के। ये आयत की देखो लेडी बर्ड वाली, जो इसने शर्ट पसंद की थी जुबैदा से, ये मुझे शॉर्ट लग रही है। और ये मैंने तैयबा के लिए लिया था, ये तैयबा को छोटा हो गया। 2 पैंट है, ये भी छोटी हो गई है। और ये फ्रॉक जो मैंने ली है तैयबायत की, दोनों की सेम। तो ये सारे ना अभी अलग अलग ब्रांड के हैं, ये भी तैयबा को छोटा हो गया, ये हॉपस्कॉच का है, ये जुबैदस का है, ये जुबैदस का है, और ये हॉपस्कॉच की है, और ये रहा मिनी माइनर का। तो इस तरह के ना मैंने 2 लिए हैं तैयबा और आयत के लिए। तैयबा का तो पूरा पूरा साइज है, लेकिन आयत के ना ऊपर देखो लिखा भी है कि ये 4 ईयर का है, तो इस पे मेंशन भी है कि 3-4 ईयर का है, और मैं हमेशा इसके 4-5 लेती हूँ, लेकिन इसमें ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लेंथ में ना
काफी बड़ा मिल गया, तो इससे छोटा साइज जो 3 साल का होगा वो लेना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी ना इन सबको लपेट के वापस डालें और चलें। ये हो गया के रूम की भी ना, अभी मैंने बेडशीट चेंज कराई है। और ये देखो हैप्पी मदर्स डे वाला अभी तक ये चिपका हुआ है, ये सारे ऊपर से ना वो टेप चिपकाई थी, तो बैलून तो सारे निकाल दिए, टेप अभी भी बुरी लग रही है बहुत, टेप निकाल रहा है। और बाकी बेडशीट चेंज किए, वैसे यहाँ पर सोता तो है दूसरे रूम में, बस ये है कि बेडशीट चेंज किए, ये बैलून अभी भी यहाँ पे रखे हैं। और ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिए थे मदर्स डे पर, ये भी अभी तक वहीं के वहीं पड़े हैं, इनमें मग दिया था मुझे, इनको भी मैंने खोल के नहीं देखा, गिफ्ट थे कुछ। चलो फिलहाल ये चेंज करा के आते हैं, लाइट्स ऑफ कर। नीचे कोई भी नहीं है, नीचे सिर्फ हमारा नोबिता घूम रहा है। कहाँ गए नोबिता सब? नोबिता के थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं अभी। अच्छी तरह जाने से पहले एक गिलास पानी का पी लूं। चलो चलते, मेरे निकलने तक गाड़ी देखो लेकर जा भी चुके हैं, तो इनको फिलहाल मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और इतने टाइम बाद यहाँ पर देखो फ्लावर निकले, इतना प्यारा कलर है इसका, वरना इतना तेज कोई कड़क धूप निकल रही है ना कि फूल भी जल रहे हैं ना, फूल भी नहीं निकल रहा। बस ये 2-4 बचे हुए हैं जो येलो वाले हैं, रेड कोई भी नहीं निकल रहा। तो अभी मुझे बोला कि बाहर आ जाओ, जब मैं कपड़े वपड़े निकाल कर बाहर आई हूँ तो अभी चले गए हैं यहाँ से, अब गाड़ी नहीं खड़ी बाहर, इतनी देर खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहती हूँ अंदर चली जाती हूँ, वहाँ पर बैठ कर वेट करते हैं, उसको थोड़ा टाइम लग जाए। यहाँ पर बैठती हूँ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके कपड़े चेंज कराने जा रही हूँ। क्या आले मेरा बच्चा, मेरी रानी आ गई है क्या? इसने क्या पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई? बहनों का ख्याल रखना ठीक है। गिर गई, मैं पहले आई हूँ, यहाँ खड़ी होके चली गई, मुझे पता नहीं था कि आप बच्चों को लेने के, ना बताया ना कुछ, ऐसे ही चले गए, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए। ये आ गए कपड़े, 3 शॉप के अलग अलग कपड़े चेंज कराने। 3 शॉप? हाँ, तीनों के। और नीली आंटी ने मुझे लिंक भी भेजा है, वहाँ से जाकर साड़ी भी लेनी है। वहाँ रश होता है ना इस टाइम, फिर मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ चले। देखो सबसे पहले है रास्ते में आया है, पहले रास्ते में जुबैदाज आया है, तो ये मैंने बिल ले लिया, अब चलते हैं। वालेकुम सलाम। इसमें एक बड़ा साइज चाहिए और इसमें भी बड़ा चाहिए, दोनों में बड़ा चाहिए। मैं आ गई हूँ अभी चेंज करा के, साइज उसमें मिला नहीं तो उसको मैंने वापस करा के फिर आयत के शूज ले लिए। शर्ट में भी साइज उसमें बड़ा नहीं था और जो तैबा का था ना उसमें भी बड़ा नहीं था, तो उसकी जगह पर मैंने प्यारे से जूते ले लिए। आपको भी पसंद आएंगे ये, जरा खींचना, खींचो खींचो, ये अच्छे जैसे मैंने वहाँ पर देखे ना, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। और आयत के शूज भी नहीं है ना अभी बाहर जाने के लिए, उसने पहले वाले बहुत खराब कर दिए। तो वैसे देखा जाए तो अच्छे नहीं है, गांव तो हम नहीं जा रहे ना, हम तो बाहर जा रहे हैं ना, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये व्हाइट जूते बहुत प्यारे लग रहे थे। आये तैयबा का इसमें साइज नहीं था, वरना मैं सोच रही थी कि तैयबा का भी यही ले लूं। ये देखो अभी हम पहुंच गए मिनी माइनर्स पे, तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी जाके चेंज करा के आते हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं मिनी माइनर्स पे, ये सामने लगे हुए हैं, यहाँ से मैं कल लेकर गई थी। ये मैं वापस चेंज करा ली, तो उसके बदले अभी ये मिला, उससे देखे अभी छोटा लग रहा है ना। एंड में अब रह गया ये हॉप स्कॉच, वो तो गीगा मॉल में। कितनी परेशानी होती है ना अगर साइज हमें सही से ना मिले। वैसे ना हमेशा मैं आयत का जो साइज लेती हूँ वो 4-5 होता है और तैबा का 9-10 होता है, लेकिन कभी कभार कपड़े कुछ ऐसे होते हैं या तो उनमें कोई साइज ज्यादा बड़ा होता है या किसी किसी में साइज छोटा होता है। अब जो होप्सकोच का 9-10 है ना उसका साइज छोटा है, और जो मिनी माइनर्स का ना इनका साइज 9-10 में ज्यादा ही बड़ा है, किसी किसी कपड़े में ऐसा होता है, बाकी तो हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं जब भी ले जाती हूँ इनके पूरे आ जाते। और ये देखो हम पहुंच गए अभी गीगा मॉल की तरफ, तो इसी के बिल्कुल सामने भी ये मॉल बन रही है, जीटा मॉल, गीगा मॉल के मुकाबले में इसकी बहन तो नहीं जीटा गीगा मॉल की बहन जीटा मॉल। और ये देखो हम पहुंच गए हैं गीगा मॉल के अंदर, कुछ इस तरह से दिखती है, बैक साइड से इसकी एंट्रेंस है ये। फाइनली इतना चलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं होप्सकोच पे, 50% ऑफ भी चल रहा है यहाँ पे। वो चेंज कराना है साइज, नहीं नहीं ये साइज चेंज करना, इसमें भी बड़ा चाहिए और पैंट भी एक, ये भी छोटी आ गई, इसमें भी बड़ी चाहिए, दोनों में आर्टिकल में आपको साइज हाँ बड़ा चाहिए। तो इस पे भी ना ईद की नई नई और प्यारी प्यारी कलेक्शन आई हुई है, सारे ईद की नई कलेक्शन है, भी बहुत प्यारा लग रहा है ना ईद के लिए। ठहरो निकाल के चेक करें, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है ईद के लिए। इसमें जो हमने कपड़े भी चेंज कराए ना, इसमें भी साइज उसका नहीं मिला, तो यहाँ पे पैंट का तो साइज मिल गया, शर्ट का नहीं मिला, तो उसकी जगह पर ना फिर मैंने ये ले लिए, 2 बेल्ट ले लिए और एक ये शर्ट ले लिए। बेल्ट यहाँ पर लगे हुए थे काफ़ी प्यारे प्यारे से ना, वो पिंक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक वैसे ये भी हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं ग्लिटर वाले। तो फाइनली कपड़े वपड़े सारे चेंज करा के अभी हम आ गए हैं वापस। अरे मेरा बच्चा, मम्मा की शहजादी,
हाँ सो गई है। आईपैड देख। नोबिता नोबिता कैसे है? अभी जाग रहे? हाँ नोबी, नोबी बाहर चलेगा, आउट ऑफ कंट्री चलेगा। आयत दरोगा, एसी के बगैर ये दोनों बहन भाई नहीं रहते। ये रहा और ये देखो ये रही। मम्मा आ गई। हाँ मम्मा आपकी जूती लेने गई थी आयत। हाँ आपके शूज है आपके। जा 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 भागो भागो भागो। ये रहे तैबा, सबसे पहले ये रहे, ये तैबा की। ये देखो कितने प्यारे मिले, पसंद आए आपको? ये देखो जो मम्मा अपनी जींस पैंट के साथ पहनेगी। वाह बहुत अच्छी लगी। कैसे? फुल व्हाइट ले रही थी मुस्तफा, फिर मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा। पूरा है तैबा? थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है, आगे से बड़ा है। सॉक्स के साथ फिर सही आ जाएगा। अरे आयत की, वाह अच्छे। हाँ मुझे अच्छे हैं आयत के। बड़ा ओ, एक तो मैं चेंज करा के चीजें थक गई हूँ। आज खड़ी हो जाओ, मम्मा को दिखाओ। अरे वाह आयत पे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आयत आपको पसंद आए शूज? कंफर्टेबल है? जॉर्डन बना हुआ। जॉर्डन नहीं क्रूज, आयत के जॉर्डन। क्यूट लग रही है, अच्छी लग रही है। जैसे कोई गोरा लंदन से। आपके पापा जितना एक्साइटेड है ना बाहर जाने के लिए, मैं कहती हूँ पूरे घर में ना बच्चे भी नहीं होंगे जितना ये एक्साइटेड है। मैं तो वहाँ जाके स्विमिंग करूँगा, स्विमिंग। हाँ। आपको रात को नहीं मिलूंगा। ये देखो तैबा का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, कहती मुझे बड़ा है। आगे से मम्मा थोड़ा सा ना यहाँ से थोड़ा सही है। सबसे पहले आपकी ये वाली साइज सबसे पहले चेक कर लो। मैंने सोचा था कि आप खुद ही जाओगे, लेकिन वहाँ अच्छे लग रहे थे तो फिर मैं आपकी पसंद से ले आई। अच्छे लग रहे हैं। पूरी है आउटफिटर के लिए मिले ना? बस अब मुझे परफेक्ट साइज मुस्तफा आपका मिल गया। आउटफिटर का जो सबसे स्मॉल साइज है ना वो आपको आ जाएगा। हो गई मुस्तफा की तीसरी पैंट। कलर अच्छा है इसका? मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी है ये हो गई। और एक मैंने ये कलर के लिए इन सब के साथ ना मैंने पैंट मैच की है। ये भी रखो, पसंद आई आपको? जी जी आ रही है। और एक मैंने ये वाली पैंट ली। बस इसको सिर्फ शूज पसंद नहीं आते, बाकी ये आपकी नहीं है, ये मम्मा की। ये मेरी है। ये सबसे पहले ये रही आपकी शर्ट ब्लैक। वाओ बहुत अच्छी लगी ये। जब आप बीच पे जाओगे तो ये शर्ट वहाँ के लिए, और ये उसके साथ की शर्ट। ये जब बीच पे जाओगे ना ये शर्ट नहीं पहन के जाना, ठीक है? ये शर्ट नहीं पहन के जाना क्योंकि बीच पे जाओगे ना। ये लगेगा गोरा कहीं लंदन का। कितना क्यूट लग रही है दोनों, माशाल्लाह। बीच पे जाने के लिए ये देखो। वाह पसंद है तेरे पे पहन के? देखो बड़े तो नहीं सारी थी ना, मैंने कहा हर टाइम पे बना शूज नहीं पहन पाएगी ना, तो मैंने कुछ उसके ना इस तरीके के दी। मुसा देखो सारी शर्ट्स अपनी निकाल निकाल कर वहाँ पर आप ऐसे रखते जा रहे हैं। अब ये बताओ आपको पसंद आई? पसंद आई इसलिए देख रहा हूँ। ये देखो हमने भी मुस्तफा अपने बेल्ट लिए हैं, ये आपके पापा का है और ये वाला मेरा है, ये गोल्ड। ये पहली बार लाइफ में बेल्ट लिया है मैंने। मैं लेती नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये जरूरी होता है, अच्छा लगेगा ये ले लो सेफ्टी के लिए। इन्होंने कहा कि अच्छा होता है। बटन लिए ना दो जीन्स की और पैंट लाई उस दिन ना, मुझे पता नहीं था आकर पहनूंगी, पता नहीं मुझे कैसी लगती, अच्छी लगेंगी या नहीं, तो वो मुझे पूरी आ गई थी। और साइज भी अभी मुझे कन्फर्म हो गया कि हाँ ये वाला साइज मुझे आता है। तो आज फिर मैंने दो पैंट ले ली और इसमें एक जीन्स की स्कर्ट भी है। ये देखो ये मैंने दो अलग अलग पैंट लिए, कलर दोनों के डिफरेंट लिए कि थोड़ा सा ना डिफरेंट भी लगे ना, सारी एक ही ब्लू ब्लू ही ना हो। तो मैंने एक स्किन कलर में एक ये लिए पॉकेट वाली और एक ब्लैक में ये वाली की हो गई। अभी इनकी शर्ट्स मैंने इनके साथ की कोई भी नहीं ली। देखो ये रही स्कर्ट, आज मैंने पहली बार जीन्स की स्कर्ट भी ले ली। पैंट के साथ साथ स्कर्ट भी अच्छी लग रही थी वहां पे, और मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा ना, एक दफा स्कर्ट भी ट्राई कर लेती हूँ और ऊपर लूसी से शर्ट पहन लूंगी। और जहां मैं आज गई थी ना आउटफिटर पे, वहां पर बहुत ज्यादा पैंट की तो वैरायटी थी, लेकिन शर्ट की भी बहुत वैरायटी थी। शर्ट के साइज बहुत छोटे थे, और अगर कुछ में बड़े भी थे ना तो इतना कोई खास बड़ा नहीं था, मतलब नॉर्मल ही था। तो मैंने फिर शर्ट नहीं खरीदी, मैंने ये सोचा कि मैं कपड़ा लेकर ना इन पैंट के साथ ना कुर्तियां स्टिच करा लेती हूँ तो वो ज्यादा अच्छी लगेंगी।
तो बस ये वाला आइडिया मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि शर्ट अभी लूँ, शर्ट सारी थी भी सारी छोटी, तो इस वजह से पैंट्स लिए और फिर वापस आ गई हूँ। चलो चलते हैं अभी नीचे। क्या खाना खा रहे हो? आपको पैंट नहीं आने वाली? फिर पैंट नहीं आएंगी आपको जो आप पैंट लेकर आए थे? अगर बाहर जाना है ना इंटरनेशनल ट्रिप पे तो खाने पे कंट्रोल करना है, रात को खाना नहीं खाते। हाँ इरफान भी देगी ना दिल से। हम बाहर गए हुए थे ना पीछे, इरफान भाई यहाँ तो घर पे खाना देकर गए और खाने में ये देखो शक्कर वाली खीर भी देकर गए, क्योंकि पिछली बार जब राहिला सिस्टर घर पे आई थी तब मैंने उनको बताया था कि डाइट कर रही, पर उन्होंने कहा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं कुछ डाइट का बना के भेजूंगी। तो शक्कर वाली खीर बनाकर भेजिए। और इसके अलावा ये क्या था इसमें? इसमें बारबेक्यू है। चपली कबाब बनाए बच्चे को? कबाब चिकन है थोड़ा सा। हाँ आए थे हम स्वीट खाते, आपको स्वीट तो पसंद है ना? वॉक पे भी चलेंगे, ऐसा लग रहा है ये बेबी फूड है। हाँ बेबी फूड तो है। जो पापा को समझाओ रोटी जितना ज्यादा खाएंगे तो पैंट शर्ट नहीं आएगी। गुड गर्ल, आज वॉक करने चलेंगे? फिर वॉक पे चलोगी? जाएंगे स्पेशली हम बड़े वाले में जाएंगे। बड़े वाले में नहीं, वहाँ डर लगता है मुझे पीछे। अब जा रहे हैं वॉक पे, वॉक करने के लिए। अभी मैंने वो खीर भी खा लिया ना, वैसे मैं इस टाइम पे खाना नहीं खाती। 7 बजे या 7:30, 8 एक हद है मेरा टाइम रात के खाने का, इससे ऊपर ना कुछ भी, जब मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ की, तो वो मैंने खा लिए। आज चले वॉक पे, नहीं जाएगी मेरी गाड़ी कहीं पर। क्या हो गया? हाँ नहीं आए आपके पापा ना बाइक चला चला के तंग हो गए हैं और इनकी आगे पीछे नजर नहीं जाती, मेरी इसी गाड़ी पे जाती है, कहते हैं ये गाड़ी सेल करके ना छोटी लेता हूँ। नहीं वो तो आप बाइक चला रहे हैं ना, वो आप चला रहे तो नहीं नहीं वो चलाते रहे। आखिर इन बच्चों ने जिद करके ना हमें बड़े पार्क में ही लेकर आ गए। चलो फिर इधर ही वॉक कर लेते हैं। चलो आते ही भाई, ये बीच में अगर आप साइकिल चलाओगी तो हम वॉक कैसे करेंगे? अभी जो आप उस पे खेलो। ये पानी तो आज खत्म हो गया, अभी घर चलते हैं। सबने पानी पी लिया, यहाँ पर बैठे अभी वॉक करके थक गए। चलो यहाँ से दौड़ लगाते हैं। वॉक करके अभी हम वापस आ गए और जब हम अपनी गली में आते हैं देखो हमारी गली में कैसे रौनक लगती है ना। इस साइड पर लाइट भी ज्यादा है, उस साइड पे तो सारा अंधेरा अंधेरा लगता है। बस वहाँ का ये है कि पार्क बड़ा है तो इसलिए सब वहीं जाते हैं। ठीक है फिर आप जा रहे हो? हाँ, ओके अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इब्राहिम को मेरा प्यार देना। हाँ ये गाड़ी की चाबी ये दे दो। हाय अल्लाह, थक हार के वापस आ गए हम अपने घर पे। और इस लड़के ने पता है क्या किया? देखो मिरर भी अपने रूम में लेकर आ गए। इस रूम में सारे अपने कपड़े पहन पहन के ट्राई कर करके ये देखो सारे वहीं पर निकाल के फेंक दिए। इस साइड पर देखो तैयबा के रूम में आओ ना, तो तैयबा ने अपना पूरा बेड बना के अपना ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब कुछ ना सेट करके रखा होता है। ऊपर की हालात देखिए, ऊपर के क्या हालात है। ये आपके भाईजान का रूम है, सारे गुड्डे। ये तो आयत ने खैर जाकर फीडर वीडर सब कुछ रखा हुआ है ऊपर। अपनी चाय कभी भी नहीं छोड़ती और ये 2 घंटे हो गए ये चाय बनाकर यहाँ पर रखी है, किसी ने भी नहीं पी। मुझे नहीं अब अच्छी लग रही चाय, जब से छोड़ी है ना अब रात में दिल नहीं करता पीने का। जा रही हो आप डिज्नीलैंड? डिज्नीलैंड क्या करने जा रही हो? झूले खेलने के लिए।